अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ वीजू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। लेक्चर नंबर 4 में बात हो रही है मॉरल डेवलपमेंट एंड मॉरल रीजनिंग की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कुछ टेक्स्ट आपको येलो हाईलाइटेड लग रहा है और कुछ टेक्स्ट आपको पर्पल हाईलाइटेड लगेगा। तो येलो हाईलाइटेड टेक्स का मतलब है कि इस लेक्चर में अगर आप इस हाईलाइटेड टेक्स को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए इनफ होगा आपके मिड टर्म और एग्जाम्स के लिए। और पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट का मतलब ये है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर क्विज़, यानी कि ये क्विजेस में आ सकता है एज अ ऑप्शन के तौर पर, या यहाँ से क्विजेस आ सकते हैं। अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, मुझे ईमेल करें एंड देन मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की जाने। तो ये सेक्शन जो है, दिस सेक्शन इन्वेस्टिगेट हाउ एग्जामिन आवर मॉरल स्टैंडर्ड, यानी कि इस लेक्चर में हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे इखलाकी कदरें क्या होती हैं, जिन चीज़ों को हमने इखलाकी तौर पर स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, और उसको हम किस तरीके से मुख्तलिफ हालात में और मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि हम बाज़ अवत ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी जो कदरें हैं या एक इंसान की जो इखलाकी कदरें होती हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, उसके बचपन के दौरान ही बन जाती हैं और वो कभी चेंज नहीं होती। उसके बाद वो कह रहे हैं फिज़िकल पीपल फिज़िकल इमोशन कंजाइटिव एबिलिटी डेवलप एज द एज, लेकिन ये असल में कह रहे हैं एथिक्स हमें ये कहता है, ऐसे सब्जेक्ट हमें ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, बचपन में जो चीज़ें हमारी जो सोच बनती है वो ऐसा नहीं कि वो बचपन में जो सोच बनी है वैसे ही रहती है, बल्कि पीपल हमारे जो फिज़िक जैसे आप जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे फिज़िकल जो हमारे दिखावा है, जैसे हमारी शक्ल है, चेहरे सूरत है, हमारा कद बढ़ता है, हमारे चेहरे के इम्प्रेशन चेंज होते हैं, फिज़िकली हमारे बाल बड़े होते हैं और दूसरी चीज़ें हैं, सब चीज़ों में चेंज आता है, इसी तरीके से हमारे जो इखलाकी कदरें हैं वो चीज़ें भी तरक्की करती हैं, यानी कि वो मोर डेवलप हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। इसके ऊपर लॉरेंस कोलबर्ग हैं, इन्होंने 6 स्टेजेस मॉरल डेवलपमेंट के बताए, यानी कि इखलाकी तरक्की जो है या इखलाकी तौर पर इंसान जो मेच्योर होता है इसके उन्होंने 6 स्टेजेस बताए। लेवल 1 में ये बात करते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज का नाम दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये क्विज में आ जाए कि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने लेवल 1 को किस स्टेज का नाम दिया, या तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग के स्टेजेस में से पहला स्टेज है या दूसरा, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें बात हो रही है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन की, यानी कि एक बच्चा जो है वो कुछ भी उसके वो जो करता है वो इस वजह से करता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस पर मुझे डांट पड़ेगी या इस पर मुझे थप्पड़ पड़ेगा, और वो चीज़ नहीं करता बल्कि वो दूसरी चीज़ें करता है, उसको पता है यार इससे मुझे डांट पड़ेगी, इस काम से मुझे डांट नहीं पड़ेगी, तो उससे ये कह रहा है कि भाई राइट एक्शन जो होते हैं वो हमारे पनिशमेंट के ऊपर से होते हैं, कि भाई हम या तो अपने किसी बड़े की इज्जत करते हैं इसलिए कुछ गलत काम नहीं करते, या हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी इस वजह से हम काम नहीं करते। उसके बाद वो बात कर रहा है इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविटी ओरिएंटेशन की, कि भाई सही काम जो होते हैं ना, एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे शरारतें करने लग जाते हैं, वो हरकतें वो इस चीज़ को भी छोड़ देता है कि यार ये काम करूँगा ना मुझे थप्पड़ पड़ेगा, तो वो बोलते हैं यार बच्चा जो है ढीठ हो गया, तो जैसे एक बंदा जो है वो जुर्म करने लगता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन उसका जुर्म कम नहीं होता मज़ीद बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि भाई इंसान एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो ये हरकतें करना शुरू कर देता है जिससे उसको पर्सनल सेटिस्फाई हो रहा होता है, यानी कि एक बोलते हैं ना यार इसका तो ज़मीर ही मर गया ये बार बार ऐसी हरकतें कर रहा होता है, तो वो बस ये सोचता है कि मेरी जो अपनी इनर नीड जो है ना वो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो जाए, भले किसी का नुकसान होता है तो हो जाए। तो ये बता रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि राइट एंड रॉन्ग सही या गलत जो है वो एक तरफ ये कह रहा है कि उसके सही गलत सिर्फ ये होता है कि भाई जिससे आपको खुशी मिले या आपको दुख हो, तो वो चीज़ें सही गलत को डिसाइड करती हैं। ऐसी कि एक इंसान है आपके लिए हो सकता है वो चीज़ गलत हो, लेकिन दूसरे इंसान को वो करने से खुशी मिलती है इसलिए वो करता है, जैसे कुछ नशा वगैरह होता है, बहुत से लोगों को ज़्यादा अक्सरियत को पता है नहीं भाई नशा जो है वो नुकसानदेह है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो बोलते हैं नहीं भाई नशा बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको लत लग चुकी होती है और वो उसके बगैर नहीं रह सकते, तो वो अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। लेवल 2 जो है वो कन्वेंशनल स्टेज कहलाती है, उसमें बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल कंकर्डेंस और ओरिएंटेशन की। गुड बिहेवियर जो है वो एट इज अर्ली स्टेज कन्वे लिविंग टू एक्सपेक्टेशन फॉर दोज, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं, या हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे करता है जो दूसरों को खुश करने के लिए होते हैं, यानी कि आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि जॉब की पूरी सैलरी जो मिली वो आपने उठा के अपने ऊपर खर्च कर लिया, ऐसा नहीं होता, आप अपने बहन भाइयों के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए खर्च कर रहे होते हैं, दूसरे मामलात कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरों के लिए आप जी रहे होते हैं। तो वो इसकी भी बात कर रहे हैं, जैसे कि एक बेटा है, बेटी है, भाई है,
दोस्त हैं और ऐसे रिश्ते आगे बढ़ते रहते हैं, उनके लिए आप काम कर रहे होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है कि जो कानून ने जिस चीज़ के लिए आपको पाबंद बनाया है, आप जिस तरीके से हर सोसाइटी में जो है वो कत्ल को बुरा समझा जाता है, चोरी को, डाके को, धोखा देने को, ये सारी चीज़ें बुरी समझी जाती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए भी आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल ऑटोनोमस और प्रिंसिपल स्टेज की बात कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन बात हो रही है। द पर्सन बिकम अवेयर दैट पीपल होल्ड अ वैरायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल व्यूज एंड ओपिनियन एंड एम्फेसिस फेयर वे ऑफ रीचिंग कंसेंसस बाय एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यू प्रोसेसेस। यानी कि इस स्टेज तक जब इंसान पहुंचता है तो उसको ये समझ आ जाता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर मैं लोगों के दरमियान अपनी कोई बात लेके जाऊंगा, जैसे कुछ लोग होते हैं यार बोलते हैं इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, या कहीं लड़ाई हो रही होती है, कुछ हो जाता है तो बोलते हैं यार इसको बुला लो, ये जो है ये मसले हल करवा देगा, तो वो जो हैं वो ज़हनी तौर पर मैच्योर हो चुके होते हैं, वो वहाँ के लोगों को समझ जाते हैं। जैसे एक छोटी सी कमेटी होती है, उसके एक सदर वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं लोग उनकी बात को अहमियत देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, यानी कि वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि किस एग्रीमेंट के ज़रिए और किस प्रोसेस के ज़रिए लोगों के मसले मसाइल को हल करना है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात हो रही है। और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हम बड़े होते हैं, हम मैच्योर होते हैं, तो हमें भी मसले मसाइल हल करना आ जाते हैं, और हम एक मैच्योर बंदा बात करता है तो वो अलग ही लग रहा होता है। राइट एक्शन कम्स टू बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मॉरल प्रिंसिपल चोजन बिकॉज ऑफ देयर लॉजिकल कम्प्रिहेंसिवनेस यूनिवर्सली एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि बोल रहे हैं आपकी सही हरकत जो होती हैं वो इखलाकियात के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, कि इखलाकी कदरें कौन सी आपने अपनाई हैं, आपने अपने लिए क्या असूल बनाया ज़िंदगी के, और यूनिवर्सली वो जो है असूल काबिल कबूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान अपने लिए असूल बना दे, जैसे आप बोलें कि भाई झूठ बोलना अच्छा है और सच बोलना बुरा है, ऐसा नहीं होगा। सच बोलना पूरी दुनिया में अच्छा है अगर आप झूठ बोलेंगे, ऐसा नहीं कि दीन हम मुसलमान हैं हमें सच बोलना चाहिए। अगर कोई और भी है, अगर आपने कहीं से चोरी की है और आपके खिलाफ केस होता है, तो आप भले झूठ बोलें, सबूतों की बिना पर आप पकड़े जाते हैं तो आपको चार्ज किया जाता है, चोरी के लिए भी चार्ज किया जाता है, दूसरा आपने झूठ बोला उसके लिए भी आपको चार्ज किया जाता है। सॉरी, द पर्सन नो लॉन्गर सिंपली एक्सेप्ट द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप विच ही और शी बिलोंग। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सोसाइटी की चीज़ों को जो है आप इस स्टेज पर आके इन स्टेजेस में से आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपको सोसाइटी जो बोले या कोई भी आपको कोई ग्रुप आपको गलत तरफ लेके जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी सोहबत में बैठे तो अच्छे होंगे, बुरी सोहबत में बैठे तो बुरे होंगे। अगर कुछ लोग बुरी सोहबत में भी बैठ के अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बुरी सोहबत में 10-12 लोग बैठ रहे हैं और 10-12 के 12 ही बुरे हो जाएं। कुछ लोग उस सोहबत में बैठते हैं लेकिन वो बुरे नहीं होते, वो वहाँ से अपने आप को बचा लेते हैं और लाइफ में ग्रो कर जाते हैं, सारी चीज़ें कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोलबर्ग स्ट्रक्चर एम्प्लीफाई देर, यानी कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है या उसकी जो रिसर्च है वो एम्प्लीफाई करती है कि जो बात के स्टेजेस हैं, यानी कि जो लेटर स्टेजेस हैं, जैसे स्टेज 1 से स्टेज 2 बेटर है और स्टेज 2 से स्टेज 3 बेटर। वो ये कह रहा है कि बाद में आने वाली स्टेजेस जो हैं वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो। कैरल गिगलैंड हैं, ये फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कोलबर्ग की थ्योरी का, कि इन्होंने फीमेल पैटर्न के बारे में बात ही नहीं की अपनी थ्योरी के ऊपर। कोगलैंड क्लेम करते हैं कि फीमेल अप्रोच भी जो है वो कोलबर्ग ने इग्नोर कर दिया, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए थी। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि एथिक्स का जो मकसद है वो ये है कि भाई वो डिस्कस करें अखलाकी पर कदरें जो है उनके बाद उनको डिस्कस किया जाए, यानी कि 3-4 लोग बैठें और उस पर बात की जाए, फिर उसको एनालाइज़ किया जाए, फिर उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाए। अगर एक बंदा बोल रहा है कि अच्छा है, अगर एक बंदा बोल देता है भाई सच बोलना बुरा लेकिन झूठ बोलना अच्छा है, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा ना, दूसरा बंदा बोलेगा क्यों भाई आप गलत बात कर रहे हो। जब वो ज़्यादा बहस करेगा तो सामने वाला समझदार इंसान होगा तो वो बोलेगा ठीक है आप प्रूफ कर दो किस तरीके से है, अगर कोई लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताओ, कोई फैक्चुअल बात करो जिसके ऊपर आप ये चीज़ें कह रहे हो। तो एथिक्स हमें यही चीज़ सिखाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये था लेक्चर आज का, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपसे 10 से 12 सेकंड लगेंगे। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करती हैं कि हम आपके लिए मज़ीद लेक्चर्स बनाएं, मज़ीद वीडियो रिकॉर्ड करें। तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।